इस अभिनेता का आलम यह था कि 70 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में ये शामिल थे। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल हासिल कर चुका ये चमकता सितारा, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद में गुर्बत के दिनों में उन्हीं अमिताभ बच्चन से इन्हें मदद मांगनी पड़ी थी और उनकी एक फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। क्या आपको पता है कि जिस प्रेमिका के लिए इन्होंने अपनी पत्नी से नाता तोड़ा था, उसी प्रेमिका ने किसी और से शादी रचा ली और इनका घर छोड़ दिया। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिस सुपरस्टार को देखने के लिए उसके घर के आगे भीड़ लगा करती थी, उसी के सगे भाई ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और अपनी दूसरी पत्नी के मौत के इल्जाम में इन्हें लंबे समय तक जेल में जिंदगी बितानी पड़ी थी। कैसे इस अभिनेता की जिंदगी अर्श से फर्श पर पहुंच गई और कौन था इसके लिए जिम्मेदार, जानेंगे बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। दोस्तों, अभी हमारा चैनल वारिधि मंथन नया है और ऐसे में हमें आपके सब्सक्रिप्शन की खास जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां लाते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवीन निश्चल की, जो कि एक्टर बनने से पहले एक मशहूर मॉडल थे। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम करने और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब सुनाए जाते हैं तो उसमें नवीन निश्चल का नाम खास तौर से लिया जाता है। नवीन निश्चल के साथ एक सच्चाई ये भी जुड़ी है कि किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। 18 मार्च 1946 को लाहौर के एक बंगाली परिवार में नवीन निश्चल का जन्म हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के एक मिलिट्री स्कूल से हुई थी। बेहद स्टाइलिश दिखने वाले नवीन निश्चल ने पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाया और कामयाब भी रहे। 60 के दशक में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट का प्राइमरी राउंड जीतकर फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंचे। मुंबई आकर अपने पिता के दोस्त और उस समय के जाने माने डायरेक्टर मोहन सहगल से मुलाकात की। सहगल साहब ने नवीन को ये सलाह दी कि पहले वो पुणे जाकर फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग लें और उसके बाद वापस उनसे मिलें। उन्होंने कहा कि जब हीरो बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें तुम सीख लोगे, उसके बाद तुम मेरे पास वापस आना। पुणे में नवीन निश्चल अपने बैच में टॉप कर गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटे और उन्होंने मोहन सहगल से मुलाकात की। मोहन सहगल ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट कर लिया। उनके अपोजिट इस फिल्म में रेखा ने काम किया था और रेखा की भी ये पहली ही फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उनके पास तो निर्माताओं की लाइन सी लग गई। अगले साल यानी 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले काफ़ी कम और छोटी सी भूमिका में नजर आए थे और उनका किरदार इस फिल्म में नेगेटिव था। कहा जाता है कि नवीन के सिर उन दिनों घमंड इस तरह चढ़ चुका था कि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन करवाने से साफ इनकार कर दिया था। अगले साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था विक्टोरिया नंबर 203 और इस फिल्म ने भी खासा रंग जमाया। 1973 में उनकी एक के बाद एक 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से 2 को तो आज भी याद किया जाता है। पहली थी रामसे ब्रदर्स की धुंध, जिसे अब तक की बेहतरीन हिंदी थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जाता है। दूसरी फिल्म थी हस्ते जख्म, जिसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। ये फिल्म देवानंद के भाई चेतन आनंद ने बनाई थी और इस फिल्म में प्रिया राजवंश ने नवीन के अपोजिट काम किया था। नवीन निश्चल की फिल्म हस्ते जख्म को लेकर एक किस्सा मशहूर है। किस्सा ये है कि वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रात भर पार्टी करते रहे और रात भर जगने के बाद सुबह तैयार होकर सीधा वो सेट पर पहुंच गए। फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद ने उनकी आंखें देखी और वो समझ गए कि ये रात भर पार्टी करके आए हैं। चेहरे की हालत ऐसी थी कि नवीन की आंखों पर एक खास तरह के लेंस को लगाकर शूटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बेकार साबित हुआ। जब फायदा नहीं हुआ तो शूटिंग रोकनी पड़ी और इसके बाद इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि नवीन काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। मशहूर गीतकार, लेखक और निर्देशक गुलजार ने जब निर्देशन में अपना पहला कदम रखा तो उनकी पहली पसंद नवीन निश्चल ही थे।
फिल्म मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना ने निभाया है वो पहले नवीन निश्चल को ही मिलने वाला था। इसी तरह मनोज कुमार की फिल्में रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए हैं वो पहले नवीन निश्चल को ही मिलने वाले थे। इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन हैं, जिन्हें अहंकार में डूबे नवीन निश्चल बहुत ही छोटा कलाकार मानते थे और इसी वजह से उन्होंने इन दोनों फिल्मों को मना कर दिया था। पर जब ये फिल्में रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई और इसका नवीन को बहुत ज्यादा पछतावा भी हुआ। नवीन निश्चल ने जितनी ही तेजी से अपनी पहचान हिंदी सिनेमा में बनाई उतनी ही तेजी से शोहरत उन्हें छोड़कर जाने लगी थी। वजह थी साथी कलाकारों का सम्मान ना करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे करना, गलत आदतें, नशा और निर्माता निर्देशकों की सलाह को तवज्जो ना देना। बताया तो ये भी जाता है कि मौका मिलने पर नवीन निश्चल पत्रकारों को भी अपमानित किया करते थे, जिस वजह से पत्रकारों ने नवीन निश्चल की खबरों को धीरे धीरे छापना ही बंद कर दिया। और एक दिन वो भी आया जब मुंबई के मेट्रो थिएटर में एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान नवीन निश्चल अपनी लंबी गाड़ी से उतरे तो मीडिया वाले उनकी ओर लपके, लेकिन जैसे ही मीडिया वालों को पता लगा कि ये तो नवीन निश्चल हैं, वैसे ही उन सब ने अपने कैमरे नीचे कर लिए। अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो बताया जाता है कि नवीन की जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा और नवीन कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते रहते थे। फिल्मों में आने से पहले ही नवीन ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी, और इनसे उन्हें दो बेटियां हुई जिनके नाम रखे गए नोमिता और नताशा। कहते हैं इसी रिश्ते के कारण उनका देवानंद के परिवार से एक करीबी रिश्ता बन गया था और इसी वजह से चेतन आनंद ने उन्हें हस्ते जख्म फिल्म में प्रिया राजवंश के साथ कास्ट किया था। लेकिन जल्द ही ये सब कुछ बदलने लगा क्योंकि नवीन की दोस्ती उस वक्त की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई थी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि 1976 आते आते नीलू और नवीन का तलाक हो गया, लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने एक दूसरे शादीशुदा मर्द से नजदीकियां बढ़ा ली जो थे उस वक्त के मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा। और इस तरह नवीन निश्चल ने जिस औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा था वो औरत किसी और की वजह से इन्हें छोड़कर चली गई। जहां तक जानकारी मिलती है तो नवीन की जिंदगी में इस दौरान एक और औरत आई जिसका नाम था पिम्मा। ये एक शादीशुदा महिला थी जो दिल्ली स्थित अपने पति से दूरी बनाकर नवीन के साथ लिव इन में रहने लगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद नवीन से उनकी खटपट होने लगी और पिम्मा वापस अपने पति के पास लौट गई। इसके बाद नवीन की जिंदगी में एक और तलाकशुदा महिला ने दस्तक दी जिसका नाम गीतांजलि था। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि नवीन निश्चल अपने भाई प्रवीण निश्चल के साथ मुंबई के खार में रहते थे, जहां शादी के बाद उनके साथ गीतांजलि भी रहने लगी। लेकिन साल 2006 में नवीन के बड़े भाई प्रवीण ने पत्नी समेत नवीन को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि दोनों भाइयों में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। दरअसल इस घटना के 3 महीने बाद नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपने पीछे एक खत छोड़कर गई थी जिसमें वो अपने पति नवीन और उनके बड़े भाई प्रवीण पर बहुत गंभीर आरोप लगा कर गई थी। गीतांजलि ने खत में लिखा था कि नवीन उनके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करते हैं और शराब पीकर जानवर बन जाते हैं। पुलिस ने नवीन निश्चल और इनके भाई प्रवीण निश्चल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चला और ऐसे में नवीन को एक लंबा समय जेल में गुजारना पड़ा। बाद में उन्हें बेल मिल गई और वो वापस बाहर आए, लेकिन नए सिरे से जिंदगी शुरू करना उतना आसान नहीं था। दरअसल अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अपनी गलतियों की वजह से वो सब कुछ गवा चुके थे। फिर कुछ सालों तक इसी तरह बस नवीन निश्चल की जिंदगी चलती रही। वो काम पाने के लिए इधर उधर धक्के खाते रहे। बाद के सालों में नवीन निश्चल ने छोटे पर्दे यानी टीवी पर काम करना शुरू कर दिया। वो दूरदर्शन पर प्रसारित कई सीरियल्स में नजर आए जिनमें रिश्ते नाते, आहट, देख भाई देख, दाल में काला, फरमान, चूड़ियां, आशीर्वाद जैसे सीरियल प्रमुख थे। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने कुछ दोस्तों के साथ होली मनाने जा रहे थे। इनमें निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर भी शामिल थे। मुंबई से पुणे के रास्ते में नवीन ने गुरदीप को
गाड़ी का एसी कम करने को कहा और एसी कम होने के थोड़ी देर बाद ही नवीन को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिल्म जगत में नवीन के शानदार अभिनय और उनकी विवादास्पद छवि के लिए उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जब भी इस अभिनेता की बात चलेगी तो हमें ये भी नसीहत मिलेगी कि हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको नवीन निश्चल कैसे लगते थे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।